अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे ढाबा स्टाइल की चने की दाल। इसके लिए मैंने हाफ के जी चने की दाल ली है। मैंने इसको बॉईल कर लिया था थोड़ा नमक और फूड कलर डाल के। एक कप मैंने इसके लिए ऑयल ली है, 2 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक के पेस्ट और 8 मैंने इसमें जो है ना ग्रीन चिलीज ऐड करके प्यूरी बना ली थी। 3 मीडियम साइज के मैंने टमाटर लिए हैं, 1/2 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, 1 टेबलस्पून मैंने रेड मिर्च ली है, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 3 टेबलस्पून दही लिया है, 2 मैंने तेज पत्ते ली हैं, 1/2 किनोर क्यूब ली है और ब्लैक पेपर मैंने 8 लिए और 1 सिनेमन दालचीनी और थोड़ा नमक लिया है। गार्निश के लिए जो चीज़ें जाएंगी, 1 टेबलस्पून चाट मसाला, 1 टेबलस्पून हरा धनिया, 3 मैंने साबुत लाल मिर्च ली है और 3 मैंने हरी मिर्च ली है। अब पैन में सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे। ऑयल को थोड़ा गर्म करेंगे, फिर हम इसमें जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली की जो पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से फ्राई करेंगे। फिर इसमें तेजपत्ता, दालचीनी, काली मिर्चें, इसको अच्छे से गोल्डन फ्राई करना है। अब इसमें हम टमाटर की जो प्यूरी बनाई थी वो ऐड कर देंगे। अब इसमें सारे हम मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च डालेंगे, हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे, जीरा पाउडर डालेंगे, इसको अच्छे से हम पकाएंगे। मसाले को अच्छे से फ्राई करना है ताकि टमाटर का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। जब ऊपर ऑयल आ जाए फिर हम इसमें अपनी दाल ऐड करेंगे। अब दाल को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। अब हम अपने किनोर क्यूब ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपने 2 से 3 टेबलस्पून दही ऐड करेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि दही और मसाला अच्छे से हमारा मिक्स हो जाए। अब एक पैन में मैंने थोड़ा ऑयल लिया है और 1 टेबलस्पून मैंने बटर लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप खाली ऑयल लेना चाहें तो खाली ऑयल ले लें। ये मैंने ऑयल जो है दाल से ही निकाला है। 2 टेबलस्पून मैंने दाल में से ऑयल निकाला है
और दूसरे पैन में डाल के अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। मक्खन को अच्छे से मेल्ट करेंगे। अब इसमें साबुत लाल मिर्च डालेंगे, 3 हरी मिर्चें डालेंगे, थोड़ा सा जीरा डालेंगे। इसको 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और हम दाल में डाल देंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना। दाल हमारी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें हम चाट मसाला डालेंगे। चाट मसाला ऐड करके 1-2 मिनट के लिए इसे पकाएंगे। अब हम दाल को अपना बघार जो तैयार किया है वो लगाएंगे। अब हम धनिया ऐड करेंगे इसमें। इसे 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। हमारी ढाबा स्टाइल चने की दाल बिल्कुल रेडी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।